25 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के बन जाने से सूबे के कई गांव जो एक दूसरे से कटे हुए थे उन्हें अब कनेक्टिविटी प्रदान होगी। देखिए, मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के छिंदनार में इंद्रावती नदी पर 47 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पुल का लोकार्पण कर दिया है। इस नवनिर्मित पुल की लंबाई 712 मीटर है और चौड़ाई करीब 8.5 मीटर है। इस पुल के बन जाने से अब छिंदनार इलाके के ग्रामीणों का रास्ता उफनती इंद्रावती भी नहीं रोक सकेगी। पुल निर्माण के बाद इंद्रावती पार के गांवों तक पहली बार विकास योजनाएं पहुंचने लगी है। और तो और, इस इलाके में सिंचाई से लेकर पेयजल, विद्युतीकरण समेत शासन की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन करना आसान भी हो गया है। पुल न होने की वजह से बरसात के दिनों में इंद्रावती पार के गांवों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता था। इस पुल के निर्माण से लोगों को अब साल भर आवागमन की सुविधा मिलने लगी है। ये पुल उनके लिए है जो इलाज कराने के लिए नदी पार करते थे गांव से, डोंगा से। अब आपके पास 112, 108 आपके गांव तक पहुंचेगा। ये पुल सही मायने में विकास का द्वार। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि इस पुल के बन जाने से इंद्रावती नदी के उस पार वाले इलाकों में हर मूलभूत सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। पहले लोगों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो परेशानियां भी खत्म हो गई हैं। इस पुल के माध्यम से भूपेश बघेल जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो पिछड़े इलाकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। टीम न्यूज़ स्टेट।